सुखमोहन अग्रवाल हैं हैदराबाद से। सुखमोहन जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है? हाँ मैडम, मैंने कोटक महिंद्रा बैंक 1950 में खरीदे थे 100 शेयर, अब क्या करना चाहिए और इसका फ्यूचर क्या है? ये 6 महीने के लिए मैंने खरीदे थे कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, हाँ समझ में आया सर, पूछ लेते हैं आस्था से। आस्था आपने सवाल सुना है इनका, 6 मंथ्स का इनका पर्सपेक्टिव है, क्या सजेशन रहेगा, क्या करना चाहिए? इनका जो बाइंग प्राइस है वो 1950 का है। जी बिल्कुल, अभी देखा जाए तो कोटक बैंक थोड़े समय के लिए एक रेंज में ही हमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा और जो रेंज यहाँ निकल रही है वो 1650 से लेके 1900 के आसपास की है, तो मेरे हिसाब से अभी तो इनको यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा। 1660 या 50 के इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन को कैरी करें और अगर 1650 के नीचे ये किसी भी दिन बंद करता है तो ही स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएं, नहीं तो पोजिशन को कैरी करें। आगे जाते हुए वापस से हमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो इनकी खरीदी के तो रहेंगे, इनफैक्ट ऊपर में 2040 तक का भी स्तर हमें इस बैंक में देखने को मिल सकता है, लेकिन समय सीमा यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 महीने इन्हें रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1650 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लीजिए और होल्ड कीजिए इस स्टॉक को, ये सजेशन है। एसके सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बिहार से। सिंह साहब गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास पीवीआर के मैडम 500 शेयर हैं, 1461 की बाइंग है और मैडम इनॉक्स के 1200 शेयर है, 325 की बाइंग है। मेरा मैडम 6 महीने का व्यू है, इस पर थोड़ा मैडम सजेशन चाहिए। 6 मंथ्स का आपका व्यू है और आपने एक ही सेगमेंट के दोनों स्टॉक्स क्यों लिए, क्योंकि पीवीआर आयनॉक्स दोनों का धंधा तो सेम ही है और इन दोनों स्टॉक्स में आपने ठीक ठाक पोजीशन ली हुई है अगर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें। पूछ लेते हैं खैर क्या करना चाहिए। आस्था पीवीआर आयनॉक्स 1460 की बाइंग है, पीवीआर में आयनॉक्स में 325 की बाइंग है और जिन जिन स्टेट्स में भी अनलॉक होना शुरू हुआ है वहाँ अभी भी सिनेमा हॉल्स पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप इनके लिए क्या सजेशन है, 6 मंथ्स के लिए क्या करना चाहिए? शायद इन्होंने ये सोचा होगा कि बिजनेस वापस रिज्यूम होगा तो शायद स्टॉक पर भी वो इम्पैक्ट दिखे, क्या करें अभी? देखिए जिस तरह से सबसे पहले पीवीआर की बात करें तो एक वी शेप रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, फिर भी इन्हें मैं सजेस्ट करना चाहूंगी इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे ध्यान रखें 1500 का, 1500 के ऊपर अगर ये बंद करता है काफी दिनों तक सस्टेन करता है तो हमें ऊपर में वापस से 1600 और उसके ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि 1500 एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस के तौर पर वर्क कर रहा है। बट स्टिल मेरे हिसाब से जिस तरह से चार्ट पे पोजिशन बनी हुई है पीवीआर में हमें कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी 1395 के स्टॉप लॉस के साथ, और यहाँ पे जो पहले टारगेट्स रहेंगे वो 1590 तक के रहेंगे और उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो बड़ी और तेजी आएगी जो स्टॉक को 1700 तक के लेवल्स तक ले जा सकती है, तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा सवाल इनका आयनेक्स पे था, आयनेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी मैं अभी तो बने रहने की ही सलाह दूंगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा 294 का, 294 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, आगे जाते हुए 340 से 355 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं इस काउंटर पे। ठीक है, तो पीवीआर आपको फायदा पहुंचा सकता है ये आस्था को लगता है, तो होल्ड कीजिए स्टॉक को, आयनॉक्स भी होल्ड कर लीजिए एटलीस्ट आपके बाइंग प्राइस पर, तो ये आ सकता है नियर टर्म में, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। सुनील पटेल हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। पटेल साहब गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हाँ गुड इवनिंग, मेरे ICIL के सेल लिए हुए हैं। हेलो, ICIL के सेल लिए हुए 171.50 पैसे से, तो उसको होल्ड करना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? ओके, आपका व्यू क्या है पटेल जी, आपने मतलब लंबी इन्वेस्टमेंट है आपकी या फिर शॉर्ट टर्म? ऐसा कुछ भी नहीं है, मोमेंटम के लिए आप दोनों के लिए रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेरा टारगेट फायदा होना चाहिए। ठीक है, पूछ लेते। ठीक है, आशा क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? आपने सुना इंडो काउंट 170-171 की इनकी बाइंग है, इनके भाव के आसपास ही इनका ट्रेड कर रहा है, लगभग 1.5-2 रुपए नीचे है, रख सकते हैं लंबी अवधि में भी? 250 के टारगेट्स बेसिकली जानना चाहते हैं, कब तक आ सकते हैं?
सबसे पहले तो बताना चाहूंगी दीपाली की जो 170 71 इन्होंने खरीदी है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो इस लेवल को क्लोजली वॉच करें। इनफैक्ट लास्ट वीक इसने 170 के 71 के ऊपर भी बंद किया है, और ये जो एक बहुत बढ़िया यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा तेजी इस काउंटर में आएगी, तो बिल्कुल इनको पोजिशन को अभी कंटिन्यू करना है। 157 का स्टॉप लॉस लगाएं, 170 71 के ऊपर बंद किया तो हमें 190 तक के लेवल्स तो यहाँ इमीडिएट लेवल पे देखने को मिलेंगे, और जहां तक उन्होंने 200-250 रुपए की बात की है उसको आने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे है 210 के आसपास, तो पहले टारगेट्स में 190 से 210 देना चाहूंगी, और 250 के लिए थोड़ा और यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, बट स्टिल होल्ड किया जा सकता है, स्टॉप लॉस 157 तक है। तो 157 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को, यही आपके लिए सजेशन है। एक सवाल ले लेते हैं, फेसबुक के जरिए भेजा है आस्था, स्नेहशीष मित्रा ने, दो स्टॉक्स इनके पास इनफैक्ट, एक तो है बंधन बैंक का, यहाँ पर जिनका खरीदारी का भाव है वो है 120 रुपए का, 109 शेयर्स हैं, और दूसरा स्टॉक है इनके पास जिंदल 100। तो बंधन बैंक तो इनफैक्ट काफ़ी अच्छे, इनफैक्ट इन्होंने बिल्कुल डिप पर खरीदा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है ये बंधन बैंक में, तो जिंदल 100 इनको थोड़ा सा नुकसान दे रहा है, तो पहले तो बंधन बैंक बताइए मुनाफा ले लें यहाँ पर या कोई और सजेशन? जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर बंधन बैंक की बात करें तो बढ़िया लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी करी है, और चार्ट्स की भी जो मैं यहाँ पे पोजीशन देख रही हूँ, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अभी तो थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड है, बट ये आगे जाते हुए परफॉर्म करेगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल अभी इनको होल्ड करना चाहिए। बहुत बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है तकरीबन लेवल 300 के आसपास, तो 300 का ही एक स्टॉप लॉस लगा लें क्योंकि लोअर लेवल की बाइंग है, अगर इसके नीचे बंद हो तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के मुनाफा लेके निकल जाए, नहीं हो तो पोजिशन को यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है। आगे जाते हुए जो लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो 330 से लेके 360 तक के स्तर हमें आने जाने आगे देखते हुए मिल सकते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने दूसरा जो स्टॉक यहाँ पे बताया था वो जिंदल 100 बताया था। जिंदल 100 की बात करें तो इनफैक्ट इस स्टॉक में मेरे हिसाब से अभी तो आज 112 के आसपास का बंद इसने किया है, और स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे अभी वीकनेस शो कर रहा है, इसमें भी मैं अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा वीक रहेगा, 108 के नीचे अगर बंद किया तो दिक्कत है, नहीं तो एक बार वेट किया जा सकता है, तो 108 के क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कैरी करें, आगे जाते हुए 119-120 तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए दोनों शेयर्स को, लेवल्स आपको बताए हैं आस्था ने। मनोज कुमार मुजफ्फरपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मनोज जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास पूछिए, इंडिया है 330 मुझे रखना है या सुमितोमो केमिकल 310 रुपए, ठीक है 310 के आपके बाएंगे, और ये स्टॉक इनफैक्ट हाँ पूछ लेते हैं आस्था, एक ऐसा इनफैक्ट इसके फंडामेंटल्स या इसके पेरेंटेज पर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, इंटरेस्टिंग है इसका मूव, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसने पिछले हफ्ते शानदार तेजी दिखाई जब मैनेजमेंट की ओर से काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कमेंट्री आई थी, और पिछले हफ्ते का मोमेंटम हमने इस हफ्ते भी एक्सटेंड होते हुए देखा क्योंकि सोमवार के सत्र में अच्छी तेजी लेकर यह स्टॉक बंद हुआ था। अब बताइए इनके लिए क्या सजेशन है, 388 पर कर रहा है ट्रेड, थोड़ा नीचे बंद हुआ है आज का, अगर इंट्राडे मूवमेंट देखें तो प्रॉफिट्स लेने हैं या होल्ड करना है? मैं तो इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी कि स्टॉक यहाँ पे एक बढ़िया तेजी दिखा रहा है, और इनकी तो काफी मतलब लोअर लेवल की बाइंग है तो दिक्कत लगती नहीं है, सुमितोमो केमिकल में होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए 350 का, तो 350 के स्टॉप लॉस के साथ और 440 तक के टारगेट के लिए होल्ड किया जा सकता है। 440 के टारगेट तो एक्सपेक्टेड है नियर टर्म में, तो होल्ड कीजिए उन टारगेट्स के लिए स्टॉक को। अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं, आदित्य शर्मा ने हमें फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है, टाटा मोटर्स पर 100 शेयर 95 की बाइंग है, अब तिगुना रिटर्न तो इनको मिल रहा है इस इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी है वो, लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म में आज था, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखें अभी भी टाटा मोटर्स? टाटा मोटर्स को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहिए, 95 की बाइंग अगर है तो बहुत ही लोअर लेवल की बाइंग है, कोई दिक्कत लग ही नहीं रही है, आराम से स्टॉक में यहाँ पे होल्ड करिए, स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगी फिर भी 300 के आसपास, 300 के अगर नीचे बंद होता है तो मुनाफा लेके निकल जाए, नहीं तो यहाँ पे बने रहिए, आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 370 से 400 तक के लेवल्स हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
तो होल्ड कीजिए स्टॉक को, ये सजेशन है। रमेश नागपाल है फोन लाइन पर पलवल से। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैडम मेरे पास दो शेयर हैं, एक अपोलो टायर है 50 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज 240 एंड सेकंड वन इज अशोक लीलैंड 150 एट द रेट ऑफ रुपीज 130। दोनों ही शेयर मैडम 2018 की परचेज है। तो यानी तो आपने तो अच्छा बुरा सभी समय देखा है इन स्टॉक्स में। अब अच्छी बात यह आस्था कि दोनों स्टॉक्स इनके भाव पर तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अशोक लेलैंड 130 की क्योंकि खरीदारी है, अपोलो टायर्स 240 की। अब 3 साल ऑलरेडी हो गया इनको होल्ड करते करते, अब बताइए क्या करना है। जी बिल्कुल, बने रहना है। एक इम्पोर्टेंट लेवल ध्यान रखें, सबसे पहले अपोलो टायर्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, 260 इसके ऊपर अगर इसने बंद किया तो और बढ़िया तेजी आएगी जो स्टॉक को यहाँ पे ड्राइव करेगी 300 तक के स्तर तक। तो 260 अभी तो थोड़ा सा दूर है, बट स्टिल मेरे हिसाब से 260 के लेवल को क्लोजली वॉच करते हुए पोजिशन में बने रहें। स्टॉप लॉस लगाएंगे 202 के आसपास, तो 202 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। पहला टारगेट 260 का रहेगा, उसके ऊपर बंद किया तो 285 तक के भी स्तर देखने को मिलेंगे। अपोलो टायर्स में यहाँ पे बने रहने की सलाह है। दूसरी तरफ अशोक लेलैंड की उन्होंने यहाँ पे बात की है। अशोक लेलैंड की बात करें तो इनफैक्ट ये काउंटर भी काफी मजबूती यहाँ पे दिखा रहा है, बट एक बड़ा रेसिस्टेंस इसको जो बना हुआ है वो 140 के आसपास है जो फरवरी में बना था। तो फरवरी से लेके अब तक की अगर मैं बात करूँ 4 से 5 महीने की, तो ये उसी रेंज में अटका हुआ है। और 140 का लेवल अगर इसने तोड़ा तो बहुत बढ़िया तेजी दिखाएगा, बट स्टिल अभी भी होल्ड करने जैसा है। 118 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। पहला टारगेट इसमें 140-150 का रहेगा। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। उषा ज्ञानी है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। उषा जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। जी गुड इवनिंग, मेरा सवाल गुफिक बायोसाइंस पे है। मैंने 198 पे 500 शेयर्स लिए हैं अभी पिछले महीने, ये आपके चैनल पर गाबा जी ने रिकमेंड किया था। तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या? ठीक है, पूछ लेते हैं। गुफिक बायो 198 की आपकी खरीदारी है, 182 पर बंद हुआ है, तो 15-16 रुपए के आसपास का नुकसान इनको आस्था हो रहा है। क्या करना चाहिए, रख लें इस स्टॉक को या कोई और सजेशन आस्था? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे रखना ही चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि एक रेंज में ये घूम रहा है, रेंज है 140 से लेके 210 के बीच में। तो थोड़ा सा समय लगेगा स्टॉक को यहाँ पे तेजी दिखाने में। समय से मैं यहाँ पे एक महीने तक की बात कर रही हूँ, तो एक महीने का पीरियड ये मानते हुए चलें और अपनी पोजिशन को यहाँ पे होल्ड करें। स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा ग्यूफिक बायोसाइंस की अगर मैं बात करूँ तो 164 का लगाना चाहिए। 204 से 215 तक के टारगेट्स मानते हुए पोजिशन को कंटिन्यू करना है एक महीने के। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है इस स्टॉक में, यही सजेशन है। फेसबुक के जरिए अब एक सवाल ले लेते हैं। बाबू भद्रा ने भेजा है, आरबीएल बैंक पर 191 की बाइंग है आस्था, 400 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और व्यू है लॉन्ग टर्म का, यानी लंबी अवधि के लिए स्टॉक को रख सकते हैं। 219 के आसपास बंद हुआ है तो 28 रुपए के आसपास का फायदा इनको फिलहाल हो रहा है, क्या करना है? बिल्कुल, आरबीएल बैंक इन्होंने लंबे समय के लिए रखना चाह रहे हैं तो रखें। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे देना चाहूंगी और ये जो स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 203 का रहेगा। 203 का स्टॉप लॉस लगाएं और एक चीज को ध्यान रखें, 218-220 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर इसने पूरे हफ्ते तक क्लोज किया, यानी कि पूरे हफ्ते तक उसके ऊपर ट्रेड किया, तो बढ़िया तेजी इस काउंटर में आएगी जो 240 तक भी ले जा सकती है स्टॉक को। दिक्कत नहीं है, होल्ड करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, चूंकि रहेगा 203 का और टारगेट इसमें जो पहले रहेंगे वो 230, उसके बाद 244। ठीक है, अनिरुद्ध जाधव है हमारे साथ फोन लाइन पर हुगली पश्चिम बंगाल से। अनिरुद्ध जी नमस्कार, बताइए अपने स्टॉक्स कौन कौन से हैं। गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास अदानी पोर्ट के 100 शेयर है 762 रुपए पे और डीएलएफ के 100 शेयर 295 रुपए पे। नजरिया एक हफ्ता का, ओनली ट्रेडिंग पर्पज। ठीक है, हेलो, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है आस्था। डीएलएफ 295, अदानी पोर्ट 762 और डीएलएफ तो इनफैक्ट इनको अच्छा मुनाफा दे रहा है। आज जतिन ने भी स्टॉक का जिक्र किया था डीलिंग रूम में, ब्रोकर्स भी यहाँ पर बीटीएसटी की स्ट्रैटेजीज लेकर चल रहे हैं। लेकिन अदानी पोर्ट्स पर इनफैक्ट आपका व्यू इंटरेस्टिंग होगा, जो ग्रुप को लेकर खबरें रही हैं उसने थोड़े से एप्रिहेंशंस तो इन्वेस्टर्स के मन में क्रिएट किए हैं। अब आप बताइए दोनों स्टॉक्स में क्या करना है।
क्योंकि इन्होंने नजरिया एक हफ्ते का बोला है, तो एक हफ्ते की बात करें तो 680 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, लेकिन क्लोजिंग बेस का, यानी कि उसके नीचे बंद हो तो ही ट्रिगर करना है, नहीं तो रुकना है। तो 680 के स्टॉप लॉस के साथ एक हफ्ते के लिए अभी होल्ड करें। ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि वापस से तेजी आई तो 820 का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद 880, 680 का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेस का 820 से 880 के टारगेट अदानी पुट पे। दूसरी तरफ डीएलएफ की अगर हम बात करें तो बिल्कुल डीएलएफ में यहाँ पे जो चार्ट की फॉर्मेशन बनी हुई है वो एक बढ़िया तेजी की तरफ संकेत दे रही है, होल्ड करना चाहिए ये तेजी को बनाने के लिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 275 का, टारगेट यहाँ पे 330 और 350 तक के रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए दोनों ही शेयर्स को, स्टॉप लॉस को कीजिए मेंटेन जो आस्था ने आपको सुझाए हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर लौटेंगे नहीं, कल का बाजार आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है आपके सभी सवालों को अपने आंसर्स देने के लिए। और जो सवाल हमें फेसबुक ट्विटर पर मिल रहे हैं उनको करते हैं शामिल। और जो अगला सवाल है ये हमें फेसबुक के जरिए संतोष गौड़ ने भेजा है। मिडना इंडस्ट्रीज आस्था 590 की इनकी बाइंग है 100 स्टॉक से, व्यू तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि 50 रुपए का फायदा ऑलमोस्ट इनको हर स्टॉक पर हो रहा है, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न बना हुआ है, 590 की क्योंकि बाइंग है तो प्रॉफिट में भी है, मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा लें 602 का क्लोजिंग बेस का, 602 के स्टॉप लॉस के साथ मिंडा इंडस्ट्रीज में मैं पोजीशंस को कैरी करने की सलाह दूंगी। आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 660 से 670 के रहेंगे। ओके, अगले कॉलर से अब बात करते हैं, हमारे साथ चिंतन सेठ हैं फोन लाइन पर अहमदाबाद से। चिंतन जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही आस्था, जो डिटेल्स इन्होंने दी थी उसके हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक पर इनका सवाल है। इन्होंने 500 शेयर खरीदे हुए 39 के प्राइस पर, व्यू है लॉन्ग टर्म? जी बिल्कुल, पीएनबी की बात करें तो बिल्कुल अभी बने रहना चाहिए, यहाँ पे 38 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगी और उसके साथ होल्ड करें पोजीशन को, 46 से 48 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फेसबुक के जरिए मितेश नंदू ने सवाल भेजा है बिरला सॉफ्ट पर, 1500 शेयर्स उन्होंने बिरला सॉफ्ट के खरीदे हुए हैं, खरीदारी का भाव है 400 रुपए का आस्था, बताइए क्या करें? जी बिल्कुल, बिरला सॉफ्ट की यहाँ पे बात करें मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए पोजीशंस को, लेकिन एक चीज इनको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ समय तक एक रेंज में ही घूमेगा और जो रेंज रहेगी वो 365 से 425 के बीच में है, तो वहाँ हमें इसमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जिस दिन इसने 425 के ऊपर का बंद दे दिया तो बढ़िया तेजी इस काउंटर में वापस से आएगी, जो इस काउंटर को फिर से ले जा सकती है 450 से लेके 500 तक के स्तर। तो हाल फिलहाल में तैयार रहिए, दो तीन दिन या एक हफ्ते तक एक रेंज में ये घूमता रहेगा, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाएंगे 365 का, टारगेट रखेंगे पहला 425, उसके बाद 450। ठीक है, तो बिरला सॉफ्ट पर ये सजेशन है 400 रुपए के आसपास ही, इनफैक्ट ये बंद हुआ है इनके खरीदारी के भाव पर ही। अनुराग श्रीवास्तव ने एक सवाल भेजा है ग्वालियर से, दो स्टॉक से इनके पास आस्था, सीजी पावर 56 की बाएंगे, एक साल का नजरिया है, अच्छे मुनाफे में है इस स्टॉक में, और दूसरा है पुंज लॉयड 15 रुपए की बाएंगे 100 स्टॉक्स। सबसे पहले सीजी पावर की यहाँ पे बात करें, मेरे हिसाब से सीजी पावर में 56 की अगर इनकी बाइंग है तो बढ़िया लेवल पे करी है, 75 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करना चाहिए। आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 85 से 90 तक के लेवल्स रहेंगे, 85 का इनफैक्ट आज क्लोज ही है, तो 90 से लेके यहाँ पे 92 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ। दूसरा सवाल इनका पुंज लॉयड पे था शायद, पुंज लॉयड की बात करें तो पोजीशन कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी, 4.5 लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पुंज लॉयड तो इनफैक्ट इस स्टॉक पर तो कमेंट करना ही मुश्किल है, 1.5 रुपए का स्टॉक है, 12-15 रुपए की इनकी बाइंग है, पर आस्था ने जो सलाह दी है उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। चलिए शो को समेटने का वक्त है, आस्था को डिस्क्लोजर आपकी ओर से। आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस जो ये टीम से उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकता है। धन्यवाद।